फ्रांस से भारत के लिए उड़े 5 राफेल फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से भरी उड़ान। 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर ला रहे अंबाला एयरबेस। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। विमान 5 राफेल फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात में उतारा जाएगा। यूएई के अल्डाफ्रा एयरबेस पर उतरेंगे प्लेन। अल्डाफ्रा एयरबेस की जिम्मेदारी है फ्रांस एयरफोर्स के पास। एयरबेस पर राफेल विमानों की चेकिंग के साथ भरा जाएगा फ्यूल। 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह पहुंचेंगे भारत। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की है डील। अखंड हिंदी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मुस्लिम राम भक्त भी जलाएंगे दिया, राम मंदिर भूमि पूजन होगा ऐतिहासिक दिन। खबर आ रही है अयोध्या से, जहां जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के उत्साह भी सातवें आसमान पर पहुंचता नजर आ रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर जहां एक ओर राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाने की कवायद जोरों पर है, वहीं इस ऐतिहासिक पल के लिए खुद को गवाह बनाने की भी होड़ मानो मची हुई है। ऐसे में राम मंदिर आंदोलन के मुस्लिम समर्थक बबलू खान भी खुद कहाँ पीछे रहने वाले हैं। राम मंदिर समर्थक बबलू खान भूमि पूजन के दिन अपने घर को दिए से जगमगाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे, जिसके लिए अपनी जिला पंचायत सदस्य पत्नी के साथ राम नाम लिखे हुए दिए को तैयार कर रहे हैं। बबलू खान का मानना है कि 5 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन सम्पन्न होगा। ऐतिहासिक पल के साथ ही दिन राष्ट्र के लिए हिंदू मुस्लिम प्रेम की ही एक नई इबादत तैयार करेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्त सदस्य की आस लगाए बैठे हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आए फैसले के बाद अब ये शुभ घड़ी आ गई है, जिसका गवाह हर एक शख्स बनने को आतुर है। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, कई वर्षों से राम मंदिर निर्माण की मुहिम हमने चलाया है और कोर्ट के माध्यम से रामलला टेंट से निकल करके अपने महल में जाने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पर आ रहे हैं शिला पूजन करने के लिए, तो कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए हम लोग अपने अपने घरों में दीप जलाने के लिए, उनका दीप जलाकर उनका स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जल्द से जल्द 5 तारीख को वो 5 तारीख का हम लोगों को इंतजार है, जो 5 तारीख हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा, राष्ट्र निर्माण का तारीख होगा, देश का विकास का तारीख होगा। उस 5 तारीख के तहत हम लोगों ने ये दीप सजा करके पूरी तैयारी कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पर आए तो हम लोग उनका दीप जलाकर भव्य से भव्य स्वागत कर सकें और माननीय योगी जी के आदेश। एक माह पूर्व गायब हुई महिला का नहीं लग रहा कोई सुराग। मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित गांव मुसेयस का है। महिला का नाम सुमन बताया जा रहा है। पुलिस ने धारा 366 FIR दर्ज थाने में 25 जून की घटना को 8 दिन बाद 3 जुलाई को दर्ज किया गया। FIR में 4 लोग के नाम दर्ज। पुलिस एक माह भी नहीं लगा पाई महिला का कोई सुराग। परिजन अधिकारियों के लगा रहे लगातार चक्कर, नहीं मिल पा रहा न्याय। घटना से संबंधित एक ऑडियो हुआ वायरल। मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित गांव मुसेरस का है, जहां सौदान सिंह नामक व्यक्ति की पत्नी, जिसका नाम सुमन है, उसका कोई अता पता नहीं है। सौदान सिंह द्वारा बताया गया कि वो 8 जून को अपनी बहन के यहाँ मकान निर्माण कार्य की वजह से गया हुआ था और वह रोज अपनी पत्नी से फोन पर बात किया करता था। 24 जून तक बात की, लेकिन 25 जून को उसके फोन लगाने पर पत्नी का फोन नहीं उठाया। इस बात को लेकर परिजन से नौशदान सिंह को सूचना दी गई उसकी पत्नी घर से गायब है। उसके द्वारा गांव में काफ़ी खोजबीन भी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। जब इस मामले को लेकर वह थाना गोवर्धन पहुंचा तो वहां उसके तहरीर लेकर रख ली गई, उसको घर जाने के लिए बोल दिया गया। इसी तरह गुमराह करने के बाद 3 जुलाई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
क्या नाम है आपका? सौदान सिंह। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई थी जी, हमारे घर से है वो 25 तारीख को यहाँ से वो ले गई थी, और मैं अपने बैंक के यहाँ काम करने चला गया था 8 घंटे। कौन लोग ले गई थी? एक उदयराम, एक देवेंद्र, एक दिनेश, एक वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? दो लोग मुक्सरस के हैं, दो लोग मैरोली के हैं। अच्छा, पूरा घटनाक्रम हुआ क्या क्या है वो विस्तार से बताएं। मैं बता रहा हूँ जो आपको पता, ये सही है। हकीकत में मेरे घर पर कोई भी नहीं था, एक मम्मी थी और मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे। मम्मी को मेरे कम दिखाई देता है, और 25 तारीख को ये घटना हुई थी। 25 तारीख को यहाँ ले गए, इनके बरकरार इनकी जो बात हुई थी कुछ इनको उनको पता है, और पता चला कॉल डिटेल के हिसाब से तो इसमें नाम आया उदयराम का सबसे पहले, और देवेंद्र, हरीश और दिनेश यानी कि हरेंद्र, चार लोगों के नाम हैं इनके। और उसके बाद हम थाने गए थे जी गोवर्धन, तो उनसे तो हमने वहाँ 26 तारीख को किया था, तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, 26 को फिर 27 को ऐसे हमको पकाते रहे। उनके बाद फिर हमको तीन तारीख को जब मुकदमा दर्ज किया था, जब उनको मतलब कहा था 2 तारीख को। बलदेव पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले 9 अभियुक्तों को पकड़ा। थाना बलदेव पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वाले 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा कब्जे में तस्करी है तो ले जा रही 193 गाय, एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर व 3 मोटरसाइकिल बरामद होने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष मथुरा द्वारा दी गई बाइट। मथुरा से केशव आचार्य गोस्वामी की खास रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना बलदेव में आगरा पुलिस के साथ चलाए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में गौ वंश की तस्करी करने वाले 9 सदस्यीय गैंग को अरेस्ट किया गया है, जो कि राजस्थान से निराश्रित गौ वंशों को इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते बंगाल ले जाने का काम करता है। इनके कब्जे से 193 गौ वंश सकुशल बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। इनके कुछ अन्य साथी जो इसी पूरे अपराध में सम्मिलित हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त हुई है, उनके लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है जिसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ।